दोस्तों, जिन पेशेंट्स को सुनता नहीं है या किसी कारण उनको बहरापन है, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो एड रहता है, जो हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं, वो होता है हियरिंग एड। हियरिंग एड एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन के लिए बहुत यूज़फुल चीज़ रहती है, उनका लाइफ चेंजिंग डिवाइस माना जा सकता है, उनकी लाइफ नॉर्मल रिस्टोर हो सकती है। तो हियरिंग एड के ऊपर बात करते हैं। आज से एक दो दशक पहले हियरिंग एड जो हुआ करती थी, वो जैसे कि आप जानते होंगे, एक पॉकेट मॉडल हुआ करता था। फिर यहाँ पर पॉकेट में एक डब्बी सी होती थी और उसका एक स्पीकर कान में लगाते थे, वो भी हियरिंग एड हुआ करती थी। और आज के ज़माने में इतना मॉडर्नाइजेशन हो गया है कि हियरिंग एड, छोटी से छोटी बटन साइज़ की हियरिंग एड जो कि कान में अंदर लगती है, अब वो भी अवेलेबल है। अब ये हियरिंग एड जिनको लगाना है, ये डिसाइड डॉक्टर करेंगे। जो पेशेंट ट्रीटेबल रहते हैं, कॉज ऑफ डेफरेंस, ट्रीटेबल कॉज ऑफ डेफरेंस जिनको रहता है, जो कि कुछ इन्फेक्शंस हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम ट्रीट कर सकते हैं, ये डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और पेशेंट का कंसेंट रहता है कि वो ट्रीट कराना चाहते हैं कि नहीं। अगर वो सर्जरी से या कोई मेडिसिन से या किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक होता है तो अच्छा है, अगर नहीं ठीक होने वाला होता है तो हियरिंग एड जो है वो डॉक्टर एडवाइस करते हैं। हियरिंग एड एक ऐसी चीज़ है कि जो कि पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये मैं बार बार एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ कि किसी भी काउंटर से उठाई गई इंस्ट्रूमेंट सबके लिए कामयाब नहीं है, वो पैसे वेस्ट भी हो सकते हैं। हियरिंग एड पेशेंट स्पेसिफिक डिवाइस होता है, पेशेंट का हियरिंग टेस्ट किया जाता है, उस हियरिंग टेस्ट के हिसाब से हियरिंग एड जो होती है वो स्पेसिफाई की जाती है कि ये पेशेंट को ये हियरिंग एड लगेगा तभी फ़ायदा होगा। हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कि हियरिंग एड्स लेके आते हैं, जो जिनके रिलेटिव्स ने, बच्चों ने, दोस्तों ने, चिल्ड्रन ने बाहर से भेजी होती है, जो कि विदाउट टेस्टिंग होती है, विदाउट प्रोग्राम्ड होती है, और वो लेके आते हैं कि हमें इसका फ़ायदा नहीं हो रहा। इसका मतलब ये होता है कि हियरिंग एड आप किसी भी काउंटर से नहीं उठा सकते। हियरिंग एड जो है वो पेशेंट स्पेसिफिक होती है और वो प्रेस्क्राइब करने से पहले हियरिंग टेस्ट होना चाहिए, डॉक्टर का एडवाइस होना चाहिए, डॉक्टर के एडवाइस के ऊपर टेस्ट होने के बाद वो हियरिंग एड को, स्पेसिफिक हियरिंग एड पेशेंट्स को दिया जाता है। दो दशक पहले नॉन डिजिटल हियरिंग एड्स होती थी, जो कि बैटरी सेल डाल के चलती थी और उसके ऊपर स्विच रहते थे और वो स्विच आप ऑन ऑफ कर सकते थे या वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते थे। वो टाइम जो था उस टाइम उसी लेवल की मशीन हुआ करती थी। और आज की डेट में जो मशीन होती हैं वो प्रोग्रामेबल डिजिटल मशीन होती हैं, छोटी होती हैं बहुत, और उसके अंदर चिप रहता है और चिप को आप कंप्यूटर और प्रोग्राम के और कंप्यूटर और ऐप के थ्रू या किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर के साथ उसको प्रोग्राम करते हैं। प्रोग्राम करने के लिए पेशेंट का जो हियरिंग टेस्ट वो फीड किया जाता है, उसका डाटा सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड किया जाता है, सॉफ्टवेयर उस डाटा के हिसाब से द स्पेसिफिक हियरिंग एड को प्रोग्राम करता है और वो फिर हियरिंग एड जो है वो पेशेंट के लिए रेडी रहता होता है। आज की डेट में, आज के ज़माने में हियरिंग एड का रेंज जो है, फाइनेंशियल बात करते हैं अगर हम, तो रेंज जो है वो 15-20 हज़ार से लेके 10 लाख तक रहती है। इस इतना क्वालिटी का मशीन, इतना वैरायटी का मशीन, इतना फैसिलिटी का मशीन अवेलेबल रहता है आजकल कि इसमें पेशेंट के पास काफ़ी चॉइस रहता है। बट डिसीजन कि कौन सा मॉडल लेना है, कौन सा स्ट्रेंथ लेना है, क्या करना है, ये डिसीजन डॉक्टर का होता है या फिर ट्रेंड ऑडियोलॉजिस्ट का होता है, जो कि डिसाइड करता है कि ये वाले मॉडल्स पेशेंट्स को लेना चाहिए। अगर आप इंसिस्ट करें कि मुझे ये चाहिए, वो नहीं पॉसिबल होता है, बिकॉज ये हियरिंग एड जैसे मैंने पहले बोला पेशेंट स्पेसिफिक होती हैं, हियरिंग लॉस के हिसाब से ये
मशीन्स को फिट किया जाता है। हेयरिंग एड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं कि इसका साइड इफेक्ट रहता है। हेयरिंग एड एक डिवाइस है, एक स्पीकर है एक्चुअली, और स्पीकर और माइक सिस्टम है। माइक जो होता है हेयरिंग एड के अंदर, वो साउंड को कलेक्ट करता है, उसको इंक्रीज करता है वॉल्यूम, उसका एम्पलीफाई करता है और वो कान के अंदर डालता है, ताकि जिनको ऊंचा सुनता है उनको वही साउंड नॉर्मल वॉल्यूम पे सुने, ताकि वो अपना नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत कर सके। तो हेयरिंग एड का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक एड है जो कि आपको नॉर्मल जीने में मदद करता है। इसमें जो सबसे बड़ा इसका एक ड्रॉबैक रहता है कि इसमें बैटरी चाहिए होता है। सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए और इसमें भी बैटरी चाहिए। अब बैटरी की फ्रीक्वेंसी चेंज करने की कितनी रहती है, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मशीन, टाइप ऑफ डिवाइस, उसका साइज ऑफ डिवाइस एंड द यूज़ ऑफ डिवाइस। आप उसको कितने घंटे यूज़ करते हैं, आपने कौन सा डिवाइस, कितना छोटा डिवाइस लिया है, और आप उसको किस उसकी कौन सी फैसिलिटीज़ यूज़ करते हैं, उसके ऊपर बैटरी कंजम्पशन डिपेंड करता है। ऑन एन एवरेज अगर आप पूरी रेंज देखते हैं, तो एक मशीन में बैटरी चेंज 5 दिन से लेके 3 हफ्ते तक या 1 महीने तक की रिक्वायरमेंट हो सकती है। वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स में 5 दिन से लेके 1 महीने के भीतर भीतर बैटरी को चेंज करना पड़ता है। बाकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको सर्विस की रिक्वायरमेंट रहता है, इसमें पसीना जा सकता है, इसमें पानी जा सकता है, गुम हो सकते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो बाकियों की है इसकी भी रहती है। लेकिन जो पेशेंट्स को एक बार ये फिट होता है और उनको ठीक लगता है, तो वो एक ऐनक की तरह, जैसे आँख में ऐनक चाहिए, कान में हेयरिंग एड चाहिए, वो उस पर अडेप्टेशन हो जाता है। हेयरिंग एड लगाने के बाद 2-3 हफ्ते तक अडेप्टेशन का टाइम लगता है, पेशेंट को अपनी कानों को अडेप्ट करने में 2-3 हफ्ते लगते हैं, उसको फाइन ट्यून करने में 2-3 हफ्ते लगते हैं। पेशेंट की नीड बेस्ड फाइन ट्यूनिंग, उसको घर में या ऑफिस में या बाहर क्या चाहिए उसके हिसाब से फाइन ट्यूनिंग करने में 2-3 सिटिंग्स या 2-3 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको लगता है इस वीडियो से किसी का फायदा हो सकता है, तो शेयर जरूर करें और यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।